आज तक हम चार युग सुनते आते थे, अब हमें समझ में आया पांच युग। ये पांचवा युग कोई अलग से युग नहीं है, ये उन्हीं चार युगों में से एक छोटा सा 100 साल का युग है, जिसमें 50 साल कलयुग के और 50 साल सतयुग के आए। जैसे रात से दिन होने का टाइम आता है तो ये अमृत वेला होता है, अमृत वेले सभी परमात्मा को याद करते हैं। एक संध्या का समय होता है जहां परमात्मा को याद करते हैं। इन दोनों समयों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, धरती दोनों टाइम में डैमेज होती है, इसमें जलकर पिघलकर वेल सेट होती है। इस समय परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, एक्चुअल में ये अमृत वेला अब का है, परंतु उन्होंने अमृत वेला रात और दिन के उसको समझ लिया। तो ये संध्या का समय, यहाँ पर भी धरती टूटती है, एकदम नई दुनिया बनती है, दोनों टाइम बड़े भयानक खतरनाक होते हैं, इसलिए दोनों टाइम परमात्मा को विशेष याद किया जाता है। अब हम इस संगम युग को देख रहे हैं, बाकी सभी युगों में हम नीचे गिरते आते हैं, केवल एक यही संगम समय होता है जब हम चढ़ती कला होते हैं, हमारे में सुधार आता है। जैसे गुरु नानक जी ने कहा, नानक नाम चढ़ती कला, कि परमात्मा को याद करने से हम सबकी क्या होती है, चढ़ती कला होती है। तो परमात्मा आकर हम सबको पढ़ाते हैं। ये पढ़ाने का सिस्टम कैसे शुरू होता है इसको आज हम समझेंगे। सबसे पहले ये ब्रह्मा बाबा जिसको हम देख रहे हैं, पीछे भी हम चित्र में देख रहे हैं, ब्रह्मा बाबा जो है इनका नाम एक्चुअल में लेखराज, ये एक टीचर के घर पैदा हुए, 10वीं तक पढ़ाई किया, गेहूं का बिजनेस शुरू किया, और गेहूं का बिजनेस में इनका मन नहीं लगा और ये बॉम्बे चले गए। वहाँ एक ज्वेलरी के पास काम सीखना शुरू किया और काम में इतने एक्सपर्ट हो गए कि उन्होंने इनको अपना साझेदार भी बना दिया, अपनी लड़की के साथ शादी भी कर दी, अब मालिक भी बन गए। अब डायमंड का बिजनेस था, तो डायमंड का बिजनेस आम दुनिया में तो नहीं, कोई साल ईयर की बात है, 1968 में इनका जन्म हुआ, 1866 में इनका जन्म हुआ था, और ये जो है ना 10-15 साल में कर लिया, उसके बाद ये वहाँ चले गए और डायमंड मर्चेंट बन गए। इतनी सी बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। बट कहते हैं ना उस टाइम पे मुंबई में इतना ग्रोथ नहीं थी, मछुआरों का छोटा सा कस्बा था, सिटी था छोटा सा, इतना बड़ा सिटी नहीं था, और उस समय परंतु डायमंड, क्योंकि वो क्या बोलते हैं बंदरगाह थी, तो विदेशी तो वहाँ आएंगे ना, बंदरगाहों से बिजनेस चलेगा ना सारा, वो तो फिर अंग्रेजों का, वो अंग्रेजों का, तो उस टाइम तो अंग्रेजों का ही टाइम था, ठीक है। तो जब अंग्रेजों का समय था, इन मैं जो बता रहा था कि बिजनेस, ये डायमंड कोई आम व्यक्ति नहीं खरीदेगा, डायमंड कौन खरीदेंगे, राजा महाराजा खरीदेंगे, और राजा महाराजाओं के कनेक्शन राजा महाराजाओं के साथ होते थे, मतलब वर्ल्ड के राजा महाराजाओं को डायमंड खरीदने होते थे तो इनसे खरीदते थे, मतलब व्यापार में ना बड़ा, इंडिया के तो राजा महाराजा खरीदते खरीदते थे, मतलब बाहर के देशों के भी राजा महाराजा डायमंड खरीदने होते थे तो इनके पास आते थे, एक विश्वास होता है ना। और उस समय इनकी दुकान न केवल बॉम्बे में रही, कलकत्ता में भी, उस समय जब यातायात के साधन सोचिए, कराची में भी, सिंध हैदराबाद में भी, चार बंदरगाहों से इनका पूरे वर्ल्ड में बिजनेस चलता था। क्या करते बिजनेस करो, कोई भी करो, नहीं उनका क्या मतलब बिजनेस करने से, उनका राजा महाराजाओं के साथ रहता था कि उनको उन्होंने अंडरटेक करना है,
आम व्यापारी व्यापार कर रहा है तो उनसे क्या, राजा महाराजा ने कोई नजर रहते नहीं, डायमंड खरीदने होते तो इनसे करते थे, इनके फैमिली रिलेशन थे उनके साथ, इनके तो फैमिली रिलेशन थे ना, डायमंड खरीदना है, मर्चेंट है तो व्यापार तो करेगा ही, वो भी व्यापार करने आए, ये भी व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करो, लेन देन करो, कोई मना नहीं थी। इंडिया के भी राजा महाराजा उनसे डायमंड खरीदते थे, इंग्लैंड के भी राजा महाराजा या बाहर के भी जो राजा महाराजा थे जो भी आने लगे उन्होंने उनसे ही डायमंड खरीदना था, चाहे कलकत्ता में खरीदे, चाहे बॉम्बे में खरीदे, चाहे सिंध हैदराबाद में खरीदे, चाहे कराची में खरीदे, चारों बंदर गाँव से उनका काम चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि पैसा अथा था, मेरा सिर्फ ये बताने का मतलब था, लौकिक जीवन हमारे सामने आए। अब दूसरा पार्ट हम देखेंगे कि इनका भक्ति में बहुत विश्वास था, भगवत प्रेम में, मतलब गुरु करना, सत्संग करना, ठीक है, इधर भी बहुत, रोजाना गीता पढ़ना, कृष्ण की मूर्ति, नारायण की मूर्ति को जेब में रखना, मतलब जो धार्मिक विचार थे वो भी इनके अंदर काफ़ी अच्छे थे। और पैसा अच्छा था तो इनके गांव में सदाव्रत भी चलता रहता था, सदाव्रत माना वहाँ कोई भी आएगा उसको खाना मिलेगा, भूखा कोई नहीं रहेगा, वहाँ सदा भोजन चलता रहता था, मतलब धार्मिक वृत्ति के लोग थे। अब उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने 12 गुरु किए अपने जीवन में, गुरु एक गुरु किया, फिर दूसरा गुरु किया, विचार नहीं मिले, तीसरा किया, परंतु गुरु में बहुत श्रद्धा रखते थे, गुरु के आगे से हटते नहीं थे, हिलते नहीं थे, गुरु आ गया है तो उसके आगे रहना है, पता नहीं गुरु को क्या चीज़ जरूरत पड़ जाए, मतलब गुरु की सेवा में नौकर चाकर तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, परंतु उनको क्या चाहिए, क्या सुविधा देनी है, उसके लिए आगे रहते थे कि मैंने अपने आप से अपने हाथ से उनके लिए करना है, मतलब गुरु का रिस्पेक्ट बहुत करते थे। मैं जंप लगा रहा हूँ, 12वें गुरु का इनके घर में सत्संग चल रहा था, ये फर्स्ट टाइम था कि गुरु जी सत्संग करा रहे हैं और सत्संग में बीच में से ये उठते हैं, और उठ करके ये कहाँ जाएंगे, अपने पूजा वाले कमरे में। वाइफ उठने लगती है तो बहू कहती है माता जी आप बैठो, गुरु जी सत्संग करा रहे हैं, मैं जाकर देखती हूँ कैसा क्या हुआ, क्यों उठ गए। तो वहाँ जाकर के देखा तो इनके शरीर से लाइट निकल रही थी, इनके मुख से शब्द निकल रहे थे, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्योति स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, शांत स्वरूपम शिवोहम। अब ये शब्द निकल रहे थे, मैं ज्ञान स्वरूप शिव मैं हूँ, आनंद स्वरूप शिव मैं हूँ, शांति स्वरूप ज्योति स्वरूप शिव। अब बहू ने ये सुना देखा, अब थोड़ी देर के बाद असर खत्म हुआ, लाइट गई, तो बहू ने पूछा बाबा क्या है, अरे बच्चे ऐसे ऐसे कोई लाइट थी, कोई माइक थी, कोई शब्द थे, क्या था ये बता दी। तो बहू ने याद दिलाया बाबा गुरुजी सत्संग करा रहे हैं, आप उठ करके आए हो, अच्छा इसका मतलब गुरुजी ने कुछ साक्षात्कार कराया होगा, चलो गुरुजी से पूछते हैं। आप गुरुजी के पास गए, उनको पूछा कि आपने हमें क्या साक्षात्कार कराया, मेरे को नहीं समझ में आ रहा ये क्या था, सारा बताया ऐसे ऐसे मेरे साथ क्या हुआ ये। तो गुरुजी ने सारा सुनने के बाद कहा, आजकल का कोई गुरु होता तो कहता हाँ मैंने कराया है, ठीक है। उसने कहा लखी राम मैंने ऐसा तुम्हें कुछ नहीं कराया, या तो प्रभु ने आपको कुछ दृश्य दिखाया है, मैंने ऐसा कुछ दृश्य तुम्हें दिखाया नहीं। तो अब उस गुरु से विश्वास खत्म हो गया, तो ये काशी चले गए। काशी में इनके फ्रेंड का एक मकान था, वहाँ जा कर के एकदम एकांत में रहना शुरू कर, और एक नौकर था और एक ये थे, वहाँ रहना शुरू किया। लगभग इनकी उम्र 60 साल की हो गई थी, ये 1936 की बात है, ठीक है। और उस समय इनके मन में आ रहा था कि मैं अब बिजनेस बंद करके हरिद्वार बैठूंगा, शांति में परमात्मा की याद में शरीर को छोड़ेंगे, मतलब एक अंदर से एक भावना चल रही थी। अभी चले गए काशी में, वहाँ जाने पर इनको साक्षात्कार हुआ,
पहले साक्षात्कार हुआ विनाश के, एकदम बैठे हुए थे तो उनको ऐसे ही दिखाई दिया जैसे चारों तरफ आग लग रही है, बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, ऐसे भयानक सी सारी आत्माएं हाय हाय करते हुए त्राही त्राही करते हुए ऊपर जा रही। और उसके बाद कहा बस करो बस करो, क्योंकि भयानक सीन था, सारे हाहाकार मचा हुआ है, मर रहे हैं सारे सारे आत्माएं, झुंड के झुंड ऊपर जा रही हैं। तो इन्होंने जो है कहा बस करो बस करो, तो देखते देखते चारों तरफ पानी पानी पानी, और फिर उसमें से देखते देखते बहुत सुंदर ऐसे महल निकल आए, बगीचे आ गए, ऊपर से आत्मा आती है, कोई राजकुमार बन जाता है, कोई राजकुमारी बन जाती है। देखते देखते एक स्वर्ग का सीन इनके सामने था। इससे पहले कि वो सीन क्लोज हो, आवाज आई, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी। मैं कैसे बनाऊंगा, मैं कौन हूँ बनाने वाला, मेरा क्या मतलब बनाने का, बोले इन्होंने डिनाई किया, मेरे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे बना सकता हूँ। तो परमात्मा ने इनको अगला साक्षात्कार कराया। अब इनको समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, वो क्या था ये क्या था। अब विष्णु का साक्षात्कार हुआ, विष्णु का साक्षात्कार हुआ, बड़ा खुश हुआ कि मैं जिसकी भक्ति करता आया हूँ उसी के दर्शन हो रहे हैं, तो बहुत खुश। अब इससे पहले कि वो क्लोज हो, फिर आया अहम चतुर्भुज विष्णु तत्त्वम, ये तो ही मैं विष्णु कैसे हो सकता हूँ, मैं तो विष्णु की भक्ति करता हूँ, मैं तो विष्णु का भगत हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे को, कैसे हो रहा है मेरे को। मतलब उसको और उलझता जा रहा है, मतलब जितने साक्षात्कार हो रहे हैं उलझता जा रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ। और उसके बाद परम आत्मा ने, क्योंकि वो भी एक आत्मा है, इनकी आत्मा के साथ इनके ही रथ में सवार होकर सारथी बनकर इनको ही कहना शुरू किया कि हे लखीराम, ये सब साक्षात्कार तुम्हें मैंने कराए, मैं तुम आत्माओं का पिता, ये सारी सृष्टि को परिवर्तन करने का रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, परंतु निमित्त तुम हो, निमित्त तुम हो, जैसा मैं तुम्हें कहता हूं तुम वैसा करो, ये सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी, ये सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी और तुम नारायण बन जाएंगे। तुम ही सतयुग में नारायण थे, जन्म लेते लेते तुम पतित हो गए हो, ठीक है, क्या करें। परमात्मा ने कहा अपना तन मन और धन, ये तीनों मुझे दे दो। आरती तो हम भी गाते आए, तन मन धन सब तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, पर आज तक हमने दिया नहीं, हम अपनी मर्जी से बोल के आ जाते थे, देते नहीं थे। अब बाबा ने कहा ठीक है, अब तन भी देना है, मन भी देना है और धन भी देना है। अब इन्होंने चारों दुकानों पर जो मैनेजर बैठते थे, चार दुकानें थी, एक कलकत्ता में, अच्छा, एक बॉम्बे में, एक हैदराबाद से कराची में, चार बंदरगाहों से इनका बिजनेस चलता था। उनको मैं जो भी उनको संभालने के लिए उन्होंने मैनेजर रखा होगा ना, साझेदार मैनेजर जिनके साथ पार्टनरशिप है, तो उनको कहा कि अब मुझे ये डायमंड का बिजनेस नहीं करना है, मेरा शेयर मुझे दे दो, जो भी मेरा हिस्सा है मुझे दे दो, बाकी तुम जानो तुम्हारा करने का। उनके साथ सबके साथ हिस्सा किया, जो हिस्सा इनका बनता था, जो भी इनका बनता था, ये बिजनेस तुम संभालो, बिजनेस मैं नहीं करूँगा, मैं तो मेरा पैसा मेरा सामान मुझे दे दो, सबसे लिया और आ गए। अब ये परमात्मा को देना है, परमात्मा का कहा ठीक है, तन मन और धन ये तीनों आपके, अब आपके तो क्या करें, देव कैसे, देव किस को दे, क्योंकि उसका तो शरीर ही नहीं है ना परमात्मा का। तो अब परमात्मा ने क्या किया कि सबसे पहले इनके तन का आधार लिया। अब क्योंकि
धनी व्यक्ति है, रेप्यूटेड व्यक्ति है, समाज में सब रिस्पेक्ट करते हैं, और चाहे वो किसी भी रिश्ते से कैसे भी बाबा से मिलने के लिए जो आते हैं उनको अभी ब्रह्मा बाबा नहीं दिखाई देता, कृष्ण दिखाई देता है। अब कृष्ण दिखाई देता है तो पागल हो जाएगा कोई भी देखेगा। अब बाबा से किसी भी संबंध से मिलने के लिए जाएगा और उनको कृष्ण दिखाई देगा तो पागल हो जाएंगे ना, और फिर वो देखते रह जाते और फिर परमात्मा उनके शरीर से कुछ उनको सुनाते, देखते देखते एक सत्संग शुरू हो गया। उन्होंने रोज आना शुरू कर दिया, आते ओम की ध्वनि करते ध्यान में चले जाते, परमात्मा उनको कुछ समझाते, सारे दीवाने होते गए। देखते देखते भीड़ लगना शुरू हो गई, मतलब पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बात है उस टाइम भारत एक ही था पाकिस्तान भारत, तो उस समय एक ये लहर कर गई कि भगवान आ गया भगवान आ गया भगवान आ गया। अब जिसने भी सुना वो सुन करके भी आने लग गए। अब सत्संग शुरू हुआ तो परमात्मा ने इनके शरीर से उन सबको कहा कि देखो आप जो भी सत्संग में आना चाहते हैं वो अपने घर अपने हेड और फैमिली से परमिशन ले गया, जो भी उनकी फैमिली का हेड है कि हम इस सत्संग में जा रहे हैं। सब गए, सब अपने अपने हेड ऑफ फैमिली से परमिशन लेके आ गए, सबके लेटर आ गए। अब परमात्मा ने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया, अब सत्संग चलता रहा। अब क्या हुआ कि जो आते जा रहे हैं जुड़ते जा रहे हैं। परमात्मा ने उनको समझाया, देखो तुम सतयुग के देवता बनेंगे, तुम ही देवता थे, तुम सतयुग के देवता बनोगे। देवताओं को क्या प्याज और लहसुन का भोग लगाया जाता है? आपकी जड़ चित्रों की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि उनको प्याज और लहसुन का भोग तक नहीं लगाते, क्या तुम खाएंगे? नहीं खाएंगे। अब उनके घर में बनती हो मछलियां, उनके घर में बनता हो मांस, उनके घर में प्याज लहसुन खाते हो, अब सबसे पहला हंगामा झगड़ा शुरू हो गया। अब उन्होंने जाके कहा कि हम तो प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, घर में झगड़ा शुरू हो गया पहला झगड़ा। फिर परमात्मा ने उनको कहा कि बच्चे तुम्हें पवित्र रहना है, अब दूसरा झगड़ा शुरू हो गया। पवित्र रहना है, जिनकी शादी हो गई है वो क्या करेंगे, ठीक है? अब उनका झगड़ा शुरू हो गया पवित्रता के ऊपर, ब्रह्मचर्य के ऊपर। वो झगड़ा इतना बड़ा कि उन्होंने खूब मारना पीटना जुल्म, वो कहें कि अब हमने ये तन परमात्मा को दे दिया है, अब ये तन आपको नहीं मिल सकता। अब उन्होंने खूब मारा पीटा जुल्म किया अत्याचार किया, जो जो हर एक की कहानी सुनाने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। इतना जुल्म किया कि उनको उनसे और ही नफरत हो गई कि क्या है ये, क्या है, ठीक नहीं? जितना जुल्म किया उनका और परिवार से नफरत हो गया। और उसके बाद मतलब उन्होंने पंचायतें की, धरने किए, रोकने की कोशिश की, पिकेटिंग किया, लास्ट क्या था, कोर्ट में जाना था, ठीक नहीं? हम तो कुछ और था ही नहीं कि भी ये तो सुधरते नहीं है, तो जो दूसरे वो ओम मंडली कहते थे जो सत्संग में जाने वाले थे, ये एक नई मंडली खड़ी होगी एंटी ओम मंडली, ठीक है, ठीक नहीं? अब उस टाइम भी अखबारों में छप गया, खूब दुनिया में, आज तक दुनिया कहती है ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाना, ब्रह्मा कुमारी में, मेरे को भी कहते थे, सबको कहते हैं, आपको भी जो मिलेंगे वो आपको कहेंगे ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाना। अब किसी कारण वो ब्रह्मचर्य के कारण, पवित्रता के कारण ही सबको रोका जाता है। तो अब क्या हुआ कि कोर्ट में केस डाला गया, अंग्रेजों का टाइम था, जब कोर्ट में केस डाला गया तो उससे पहले थोड़ी सी बात मैं छोड़ूंगा, वो ये कि मम्मा देख रहे हैं ना, मम्मा का चित्र देख रहे हैं ना साइड में, ना इसमें मैं खोलता नहीं, तो वहाँ ये उनकी मदर नहीं, ये उस टाइम 10th क्लास में पढ़ती थी 1936 में, ये 60 साल के हो गए हैं और वो 10th क्लास में पढ़ती, इसको भी पता लगा कि भगवान आ गया है, ये भी आ गए, ठीक है, सत्संग में आ गए। अब ये सत्संग में आ गए तो इनकी युगल को साक्षात्कार हुआ, इनकी मिसेस को, कि ऐसी कन्या आएगी जिसे आपने सारा धन
देना है। और उसने पहचाना कि मेरे को डायरेक्शन मैंने देखा था, इस कन्या को हमने सारा धन देना है। तो अब बाबा ने बुलाया उस दिन सत्संग बाद कि तुम काले कोट वाले से शादी करेंगे या पीले पीतंबरधारी कृष्ण से। मैं कृष्ण से करूंगी का सोच के बताना। सोच लिया ठीक। फिर एक दिन पांच कन्याओं को बिठाया और विल किया 18 जनवरी 1936 को, आज से मेरी चल अचल संपत्ति पर अधिकार रहेगा केवल ओम मंडली का, मेरी किसी भी परिवार के किसी सदस्य का उस पर कोई अधिकार। दान पकड़ा दिया पांचों कन्याओं को, इनको बना दिया मुखिया हेड ऑफ द संस्था का और सारा धन दे दिया, तन परमात्मा को दे दिया भी जो करना है कर ठीक है। और मन में जो परमात्मा कह रहे हैं वही मुझे मन में संकल्प लाना है, कोई दूसरा संकल्प मुझे मन में नहीं लाना। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना तन मन और धन क्या दिया, परमात्मा को दे दिया। तो अब संस्था बन गई है ओम मंडली। अब जो लेटर आएगा तो ओम मंडली हेड ऑफ हेड पास आएगा ना, ये तो सर संस्था का मुखिया नहीं है। अब मुखिया है कौन, मम्मा, इनको जगदम्बा, इनका नाम था ओम राधे, ठीक है, ओम सबके साथ लगाते थे, राधे इनका नाम था। तो अब क्या हुआ कि इनको संस्था का हेड बना दिया, तो हेड के पास लेटर आएगा, अब कोर्ट में जाना पड़ेगा तो किसको जाना पड़ेगा, मुखिया को जाना पड़ेगा, प्रधान प्रेसिडेंट को जाना पड़ेगा। अब ये जब कोर्ट में गए उन्होंने कहा कि गीता पर हाथ रख कर खाओ, क्या जो कुछ बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे, भगवान को हाजिर नाजिर समझ कर। तो कहा भगवान हाजिर नाजिर है ही नहीं, परमात्मा तो है ही नहीं, तुम मुझे झूठ बोलने के लिए क्यों कह रहे हो, आप मेरे सामने हाजिर हो, मैं आपको हाजिर नाजिर कहकर कह सकती हूँ कि मैं सच बोलूंगी, परमात्मा तो है ही नहीं ना कहीं, मैं कैसे कहूँ मैं झूठ नहीं बोलूंगी। उन्होंने कहा यदि आप कसम नहीं खाएंगे तो आपको 15 दिन की जेल हो जाएगी। बोले जेल दो कुछ करो, जो मर्जी तुम करो तुम्हारा पार्ट है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने 15 दिन की सजा डिक्लेयर कर दी। तो विपक्ष के जो वकील था उसने कहा कि 15 दिन बाद भी नहीं खाएंगे, कि जो कुछ कहेंगे इनको अब भी करा दो, तो 15 दिन 1.5 दिन का फायदा तब है ना जब ये सुधरने वाले हो, ठीक है, इनको किसी प्रकार का भय नहीं है, बोले ये विपक्ष का बोल रहा है। तो उसके बाद कहा कि अच्छा ठीक है आ जाओ। तो अब कहा कि ठीक है तुमने इन कन्याओं को अपने पास क्यों रखा हुआ है, ठीक है ना, तो वो लेटर जो लिखवाए थे ना लेटर परमिशन लिख के आओ, वो लेटर पहले लिखवा रखे थे, वो लेटर रख दिए टेबल पर कि इनको इनके परिवार वालों ने परमिट किया है सत्संग में आने के लिए, ठीक है, ये चिट्ठी तुमने लिखी थी, लिखी तो हमने थी, हमें क्या पता ये ऐसा सत्संग होगा जो हमारा घर बर्बाद कर दिया इन्होंने। और उन्होंने तो एलिगेशन लगा दिए कि इनके नजायज संबंध है, ये है वो है। अब कहा कि ठीक है उनको बुलाओ भाई, सब बहनों को बुलाया गया, उनको पूछा गया हाँ जी तुम्हारा उस बाबा के साथ क्या संबंध है, वो हमारे पिता हैं, पिता हैं तो नेचुरल है कि संबंध ठीक है, खराब वाली बात ही नहीं है। अब उन्होंने तो बयान दे दिया तो मामला खत्म। अब दूसरा रह गया लड़कियाँ कन्याएं जो थी, तो उनके लिए कहा कि ये लड़कियाँ शादी नहीं करना चाहती, वे बालिग हैं उनको तो कुछ नहीं कर सकते। अब कन्याएं जो शादी नहीं करना चाहती, बोले तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते, कहते हम शादी करने के लिए तैयार हैं, ये राम जैसा पति ला के देंगे तो हम शादी कर लेंगे, ये रावण के साथ शादी करे तो हम नहीं करेंगे। अब कोर्ट क्या कहेगी, कोर्ट ने फैसला दिया जो 18 साल से बड़े हैं वो मर्जी है सत्संग में जाएं, मर्जी है घर जाएं, और तो जो 18 साल से छोटे हैं उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ घर, ये का फैसला। अब जिसने जहाँ जाना था वहाँ चला गया, और जो इधर गए अब ये कराची में आ गए, वहाँ पर जो इनके मकान थे, मतलब एक मकान में बहनें रहेंगी, एक मकान में भाई रहेंगे, एक मकान में बच्चे रहेंगे, बिल्डिंग बहुत थी, ठीक है, वोटरें थी, गाड़ियाँ थी, सब कुछ था, पैसे की कमी थी नहीं।
और रोजाना आप सत्संग शुरू हो गया। अब इनका दुनिया से नाता खत्म, बाहर की दुनिया से मतलब आना जाना खत्म, अब इन्होंने वही रहना है। लगभग ये 350 से 400 के बीच में रहे, कुछ बीच में चले जाते थे, कुछ आ जाते थे, ठीक है। अब उनका खाना पीना रहना सोना उठना बैठना सब कुछ वहीं और परमात्मा से पढ़ना है। और 1951 तक 14 साल ये वहाँ रहे पाकिस्तान के अंदर। तो बट कहते ना इंडिया पाकिस्तान में पार्टीशन हुआ था, ते तब ये वहीं रहे। नहीं तो मैंने ये वो रखा था ना कि या तो आप ओंडन धर्म अपना लो या तो यहाँ से चले जाओ। इनको उन्होंने कुछ नहीं कहा, इनके वहाँ जो संबंध थे वहाँ के मंत्रियों से बड़े लोगों से, उन्होंने इनको कुछ नहीं कहा क्योंकि ये अल्लाह लोग हैं, ये भगवान के लोग हैं, इनको कह नहीं सकते। ये वो नहीं करेंगे, हाँ इनको रहने दो, ये वहाँ रह गए। और जो भी दंगे फसाद हुए और जो आए वो अपनी अपनी चाचा भी इनको दे के आके जो छोड़ के जा रहे हैं तुम ही संभालो, ठीक है ना। तो ये वहाँ रहे 1951 तक, ठीक है। अब ये वहाँ रहे और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा मैं बीच में 14 साल में छोटे से दो चार एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक क्या था कि जो छोटे छोटे बच्चे थे 5 साल के 10 साल के 8 साल के, वो पेरेंट्स के साथ आया वो तो वहाँ रहेंगे ना, ठीक है। उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था की गई कि कम से कम इनको पढ़ाया जाए, तो जो पढ़े लिखे थे खुद ही पढ़ाते थे, बाकी प्रॉपर क्लास लगती थी, प्रॉपर उनकी पढ़ाई होती थी, ड्रेस में पहनना है वैसे जाना है वैसे। उन बच्चों के लिए विशेष रूप से कुछ गाय सिलेक्ट की गई थी जिन गायों को बादाम खिलाए जाते थे, गाय को बादाम खिलाए जाते थे। मैं इसलिए स्पेशली आपको सेक्शन कर रहा हूँ कि बादाम खिलाए जाते थे, इन गायों का दूध इन बच्चों को पिलाना, क्योंकि इन्होंने सारे विश्व की सेवा करनी, जिनको ग्लोब के बारे में नहीं पता, परंतु परमात्मा का तो अपना था ना, मतलब धन यज्ञ का है, ठीक है नहीं, परंतु उसको खर्च भी बड़े खुले दिल से किया। किसी भी प्रकार का मेरा तेरा जाति धर्म ऊंच नीच का कोई फर्क किसी के प्रति नहीं था। और उन बच्चों को वो दूध पिलाया जाता था, जो गाय पालने वाला था वो थोड़ा गड़बड़ करने लगा, बादाम में से हेरा फेरी करने लगा, तो बाबा ने कहा कि तुम अपने बच्चों के लिए घर ले जाओ, इनके यहाँ इनको पूरा बादाम देना है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। मेरी बात समझिए, मतलब ये मेरा सिर्फ बताने का मतलब ये था कि कितनी संपन्नता थी, ठीक है। उसके बाद कितना भी पैसा हो, इनकम ना हो तो खत्म होने कम होने लगेगा, है ना, कोई काम तो था ही नहीं। तो कितना भी धन हो नेचुरल कम होना था, यानी अब पैसा कम होता गया, अब पैसा कम होता गया, खर्चा तो लगातार चल रहा है ना। 350 से 400 लोगों के लिए सोचो, नाश्ता भी चाहिए, लंच भी चाहिए, डिनर भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, खाना सब कुछ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। कितना भी पैसा हो, आखिर कितना भी कुआं भरे पड़े हों तो भी खत्म तो होने के ना। अब वो हालत आ गई कि प्रॉपर्टी बेचना शुरू किया। अल्टीमेटली गॉड का डायरेक्शन हुआ कि तुम ये बेचो और इंडिया में आ जाओ। अब वो सारा कुछ मकान मकान जो कुछ थे सारे बेच बाच के ये इंडिया में आ गए। अब जो थोड़ा बहुत पैसा था उसके आधार पर इंडिया में किराए पर मकान लिया। भारत में आकर माउंट आबू में एक राजा की कोठी थी आबू पर्वत पर, और उसको ब्रिज कोठी बोलते थे, उस कोठी को किराए पर ले लिया और वहाँ आकर रहना शुरू किया। अब लोग भागने लगे, जब तो खाने के लाले पड़ गए, क्योंकि जो कहते बस जो खाना मिला है ना एक ही बारी बस वही खाना है, दोबारा नहीं मांगना दोबारा नहीं मांगना। मतलब मेरा बताने का मतलब सिर्फ आपको ये था कि अब ये हालत भी आ गई कि एक ही टाइम दिन में खाना मिलेगा और जितना मिल जाएगा ना बस उतना। अब जो लोग थे वो कहते हम कमा के लाएं, बोले नहीं, हमें परमात्मा का डायरेक्शन नहीं मिला कि हम कमाएं तो हम नहीं कमाएंगे। अब क्या हुआ कि
धीरे धीरे लोग भागने लगे कि चलो कहीं से हम ही कमा के लाएंगे। अब उन्होंने जाना शुरू कर दिया। अब एक दिन वो भी आ गया कि खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं है, ठीक है। फिर बेगरी पार्ट ऐसा आ गया कि आज बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने कहा ठीक है, जो मिलेगा आज हम जंगल में चलेंगे, वहाँ से जो फल मिलेंगे, जो चीज़ मिलेगी वही खा लेंगे, पहाड़ी इलाका है सारा। उस दिन दोपहर को 12 बजे 2000 रुपये आते हैं एक लिफाफे में। कहाँ से आए? बोलो। और फिर राशन मंगाया गया, खाना बनाया गया, खिलाया गया सबको। रात को परमात्मा परम धाम से आके पढ़ाना शुरू किया इनके तन से। कहा बच्चे तुम पास हुए, जो भाग गए वो फेल हो, जो भाग गए वो फेल हो गए और तुम पास हुए। तुम सतयुग के देवी देवता बनेंगे, तुम्हारी ही भगत मंदिरों में तुम्हारी मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, क्या तुम्हें भक्तों की आवाज सुनाई नहीं देती? और परमात्मा ने डायरेक्शन दिया, दो दो जने अलग अलग शहर में भेजे जाएं, 2 महीने के उनको पैसे दिए जाएं, तुमने किसी से एक भी पैसा नहीं लेना, 2 महीने आपने अपने अपने निश्चित शहर में जाकर भगत ढूंढने हैं और उनको मेरा परिचय देना है। थर्ड क्लास पैसेंजर ट्रेन में टिकट लेके बिठा कर सबको भेज दिया। इनकी एज तो काफी सारी, काफी बड़ी होगी, तो 60 जी, इनकी तो खैर बुजुर्ग होने लग गए ना, 36 में 60 साल के लगभग थे नहीं। और अब सोचिए 90 बहुत थे नहीं, 50 में तो फिर 14 साल जोड़ोगे 74-75 के होंगे, परंतु 99 के आसपास इन्होंने शरीर छोड़ा 18 जनवरी 1969 को। तो अब जो है ना, क्या कहते हैं, यहाँ सबको भेज दिया गया और जो जो जहाँ जा गए उन सबकी कहानियाँ सबकी अलग हैं, परंतु उन्होंने वहाँ जाकर किसी से पैसा नहीं लिया। कहीं कोई सत्संग हो रहा हो, कोई कथा हो रही हो, कोई माताएं बहनें कहीं बैठ करके कुछ कर रहे हो, तो उनको जाकर वो बहनें ज्ञान सुनाती। जिनके घर को डेथ हो जाए उनको जाके ज्ञान सुनाती, मतलब ज्ञान उनको अच्छा लगता। तो धीरे धीरे सब जगह सत्संग शुरू हो गए और 2 महीने सत्संग किया वहाँ पर और वापस आ गए बड़ी खुशी से कि जेल कट गई हमारी जो सजा थी, जिन्होंने घर से बाहर जाके ना देखा हो कभी, उनके लिए तो जेल की सजा थी किस्म से, परंतु तो खुशी से क्योंकि प्रभु का आदेश है, जो कहा है वो हमको करना है, इसलिए वहाँ गए और 2 महीने के बाद घर आए। सबसे परमात्मा ने सबका पूछा क्या क्या किया, क्या क्या किया, सब ने अपना अपना सारा सुनाया। फिर परमात्मा ने रात को आके सबसे बात की कि बच्चों ने बहुत अच्छा सेवा किया, ये किया, ये किया, ये किया, बच्चों की खूब प्रशंसा की। और प्रशंसा करने के बाद कहा पता तो तब चलेगा जब वो चिट्ठियाँ भेजेंगे, निमंत्रण देंगे, बुलाएंगे। तो ठीक है, अब ये तो पता ही नहीं था ना कि हम उनको एड्रेस दे के आते। अब यदि उन्होंने चिट्ठियाँ नहीं डाली तो बाबा क्या कहेगा कि उन्होंने अच्छी तरह नहीं समझाया, ठीक है ना। तो उस समय चिट्ठी आने में भी 4-5 दिन तो नॉर्मली लगते थे, और ऐसे रूरल एरिया में चिट्ठी पहुँचना, तो 4-5 दिन बाद चिट्ठियाँ पहुँचना शुरू कर दी कि देवियों को भेजो, हम देवियों के बिना नहीं रह सकते, सत्संग के बिना नहीं रह सकते, देवियों को भेजो कि वो हमें सत्संग कराएं। अब उनकी डिमांड पर भेजना शुरू किया, तो ये सेवाएं शुरू हुई। 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने इस शरीर को छोड़ा, और मम्मा ने 1965 24 जून 1965 को शरीर छोड़ा।
और इसे जगत अंबा का नाम दिया। क्या नाम दिया गया? जगत अंबा। इनकी विशेषता क्या थी? देखो क्या के प्रधान कैसे बनी, परमात्मा ने चुना है। इनकी थोड़ी विशेषताएं मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक तो 10th क्लास में जैसे ही ये आई उसके बाद सब बोल नहीं, भगवान मिल गया। और इनको संगीत बहुत अच्छा, और अपने मतलब गुणों में हर चीज में कितनी विशेषता थी कि परमात्मा जब ब्रह्मा बाबा के तन से, इनके तन से जब ज्ञान सुनाते थे, आंख नहीं झपकती, ज्ञान को एकदम बिना बुद्धि को इधर उधर किए सुनते थे, और उसके बाद सहज करके सबको समझाती थी। सहज करके सबको मतलब धीरे, जैसे इसको प्रधान बनाया, प्रेसिडेंट बनाया, इनके मम्मी पापा भी इसको मम्मा कहते थे, बाबा भी इसको मम्मा कहते थे, मतलब एक रिस्पेक्ट थी। मतलब सबके, मतलब किसी भी काम को एक्यूरेट करना इनकी विशेषता थी। मतलब जैसे जिस टाइम पर जाना है ना, टाइम से पहले वहां मिलती थी, कोई भाई बहन लेट नहीं हो सकता कि मम्मा पहले पहुंच जाएगी। और रोजाना बाबा के साथ बैठकर सबकी, इतना परिवार है, किसी की कोई रिक्वायरमेंट है, कोई शिकायत है, कोई कमी है, हर एक फैमिली की तरह रोजाना सुनाए, किसी को कोई दिक्कत है शाम को सुनाओ, ताकि उनकी दिक्कत को सॉल्व किया जाए। मतलब फैमिली का जो लुक था, फैमिली का जो एटमोसफेयर था, वो बना के रखना, ये भी एक बहुत बड़ी इनकी क्या थी, विशेषता। और इन्होंने अपने आप को ज्ञान के, एक इनकी जो क्लासेस आप सुनेंगे, मतलब जो टॉपिक लिया ना, बस उस टॉपिक से अलग कोई बात नहीं, मतलब कंसेप्ट क्लियर करना, ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता रही। एक जो अभी कहीं मतलब संस्कार पे होते हैं, किसी भी आते रहते हैं आस्था वगैरह पे, ब्रह्म कुमारी के काफ़ी ओल्ड लेडी आती हैं, बहुत दिन के बारे में बहुत निकलती भी नहीं है, मतलब बहुत धीरे धीरे बोलती हैं, तो वो भी आई थिंक इनकी जानकी दादी, दादी जानकी हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, 102 को क्रॉस कर लिया है उन्होंने, तो वो भी इनके साथ की होंगी, वो इससे बड़ी थी, उन्होंने बाबा के साथ थे, उन्होंने देखा होगा। आए तो इकट्ठे थे, परंतु वो इनसे एज में बड़े, जो फाइव गर्ल्स चुनी गई थी वो उनमें से है, वो नहीं, उनमें से नहीं, उन वो तो सब शरीर छोड़ गए, वो 55 शरीर छोड़ गए, ठीक है ना। तो ये उनसे, वो जो दादी जानकी हैं वो सबसे बड़ी थी उन सबसे, जो वहाँ मतलब बाकी और कोई रहे होंगे बड़े छोड़ गए उनसे, मतलब जो आज की डेट में वही सबसे बड़ी उम्र की हैं। तो अब क्या होता है कि इन्होंने 65 में से युवा थे, और इसलिए परमात्मा ने इनको मम्मा जगत अंबा का टाइटल दिया, कि जगत अंबा युवा अवस्था में ही संपूर्णता को प्राप्त करती है, मतलब ब्रह्मा बाबा से भी पहले इन्होंने संपूर्णता को प्राप्त किया, और ये सतयुग में जाकर राधा बनेंगे, और ब्रह्मा बाबा क्या बनेंगे, कृष्ण। तो ये डिक्लेयर किया गया। और ब्रह्मा बाबा एक दिन जो है ना, तो दादी गुलजार हैं जो आजकल तबीयत उनकी ठीक नहीं है, ठीक है, गुलजार दादी, और वो जो है 18 जनवरी 1969 को जब शरीर छोड़ा, ठीक है, ये हो गए ब्रह्मा बाबा, ठीक है, ये मम्मा, ये दादी प्रकाशमणि। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो दादी प्रकाशमणि जो है वो संस्था की मुखिया बनाई गई, और इनके शरीर में परमात्मा ने आकर पढ़ाना शुरू किया जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा। ये है दादी जानकी जो आज ओल्ड एज में आप देख रहे हैं, इनके भी सुने हुए ये सुना, ये दादी गुलजार हो गया, ये दादी जानकी हो गया, ये दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाश ने शरीर छोड़ दिया, ये दोनों दादियां अभी हैं। अब क्या होता है
ये 8 साल की थी, ये दादी 8 साल की थी, अपनी माँ के साथ ये आए थे ऑलराउंडर दादी के साथ, ठीक है। तो उसके बाद इनकी विशेषता ये थी, वंडरफुल विशेषता इनकी रही कि ये विशेषता और किसी के पास नहीं थी कि अपने शरीर को छोड़ें, ध्यान में जाएं और परमात्मा से संदेश लेके आए। ये विशेषता इनमें नहीं, इनमें नहीं, इनमें नहीं, इनमें नहीं, ये इस आत्मा की विशेषता थी कि कोई भी गवार या तो परमात्मा आकर इनके तन से बताएंगे, या जब परमात्मा इनके तन में आए हुए हैं तो पूछेंगे, और ये परमात्मा जब इनके तन में नहीं आए हुए हैं तो मेडिटेशन फॉर्म, परमात्मा इनके तन में आए और पढ़ाना है। जैसे मैं आत्मा अपने सीट पे बैठी हूँ, ठीक है, ऐसे ही परमात्मा इनके साथ ही सीट पर बैठे, सारथी बने और इनके ही मुख से बोलना शुरू, ठीक है। तो इसको भी पढ़ाना है तो सबको भी पढ़ाना है, ठीक है। तो परमात्मा ने पढ़ाना शुरू किया, तो इनकी विशेषता थी कि परमात्मा से संदेश लेकर के आना। अब एक बार ये संदेश लेने के लिए गई, जैसे कोई भी संदेश लेने, क्योंकि तन परमात्मा को दे दिया है ना, अब ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर ने कहा तो पूछ के आओ ऑपरेशन कराए, ब्लड चढ़ाना है पूछ के आओ ब्लड चढ़ाए, ठीक है। तो इनका काम था संदेश लेकर के आना, और एक दिन जब ये संदेश लेने के लिए गई, देखा कि ये वाला बाबा ऊपर बैठा है, ये वाला बाबा ऊपर बैठा, तो आके बताया कि आज बाबा आप ऊपर बैठे हुए थे। बच्चे अगली बार जाओ तो पूछना, कोई ना कोई परमात्मा राज खोलना चाहते होंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब गई तो पूछा कि बाबा ऊपर क्यों बैठे हैं, तो परमात्मा ने कहा बच्चे जो नीचे वाला बाबा है, जब वो संपूर्ण पवित्र बन जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो आके कह दिया बाबा आप जब संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे तो वैसे हो जाएंगे। अच्छा बच्चे ऊपर वाले में मेरे में क्या फर्क है, तो बताया कि बाबा जो ऊपर वाला है ना, उसके शरीर से लाइट निकलती है, आपके शरीर से लाइट नहीं निकलती। अच्छा इसका मतलब मुझे अभी और तपस्या करनी। तो इस प्रकार से अपना पुरुषार्थ करते रहते और पूछते रहते। 18 जनवरी 1969 को जब इन्होंने शरीर छोड़ा, तो उस समय दादी प्रकाशमणि जो है बॉम्बे में थे, तो वहाँ से आए हुए थे, और ये इनको कहा, 2 दिन पहले जाने वाले थे तो इसको कहा कि तुम यहाँ रुक जाओ, ठीक है, पार्टी को भेज दो, पार्टी को भेज दिया, वहाँ रुक गए। तो बाबा ने सारा घर दिखाया, ये अनाज है, ये बिल्डिंग है, इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है, और चलते चलते पूछ लिया बाबा चला जाए तो संभाल लेंगे ना, अभी क्या पता था बाबा क्या पूछ रहा है, बाबा चला जाए कहाँ चला जाए तो कोई बात ही नहीं है ना। फिर ना करना सिखाया नहीं किसी को भी, एक है ना बोर्ड बनाया हुआ था नोटिस बोर्ड, ना करने वाला नास्तिक, जो ना करेगा वो नास्तिक, तो उस बोर्ड को नाम लिख दिया जाता था कि मैं नास्तिक। तो इसलिए सबको पक्का था कि हमने बाबा को ना तो करना ही नहीं। अब बाबा ने कहा कि भी ना, बाबा चला जाएगा तो संभाल लेंगे ना, ठीक है, अब क्या पता था बाबा जा रहा है, इतना पता था। तो अगले दिन सर्दियों में, सर्दियों का टाइम था, जनवरी 18 जनवरी का था ना, तो सवेरे बाबा को ठंड बहुत लग रही थी और वो बाहर नहीं आए, और कहा कि ठीक है आप लिख करके दे दो हम सुना देते हैं जो परमात्मा का डायरेक्शन है। तो दोपहर को बाबा आए, सारे पत्रों का जवाब दिया, और बाबा ने कहा कि बच्चों को आज खाना खिला दो पहले, आज बाबा ने सवेरे क्लास नहीं की इसलिए जल्दी क्लास कराएंगे, तो ठीक है सबको खाना खिला दिया गया जल्दी, और उसके बाद बाबा ने क्लास कराना शुरू किया, ठीक है। हिस्ट्री हॉल में आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे, इससे थोड़ा सा ही
बड़ा कमरा होगा, इतना ही बड़ा कमरा, जो सबसे बड़ा हॉल कमरा था उस समय। अब उसके अंदर जो है बाबा ने क्लास कराना शुरू किया। जब क्लास कराया, अब तक क्या होता था कि जब क्लास पूरा होता था तो भाई बहन उठ जाते थे, बाबा बैठे रहते थे, जिनको कोई काम होता था तो बाबा से बात करते थे, ठीक है, कहने हेड से बात करनी पड़ेगी ना। अब आज बाबा ने कहा 18 जनवरी को, आज बच्चे बैठे रहेंगे, बाबा जाएंगे। मतलब किसी को समझ में नहीं आया कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। बच्चे बैठे रहे, बाबा खड़े होने के बाद गेट पर आए, गेट पर आकर के कहा, अच्छा बच्चे अलविदा। किसी को नहीं समझ में आया, निराकारी भव, निरहंकारी भव, निर्विकारी भव, तीन वरदान दिए। और कमरा इतनी दूर होगा, जितनी दूर यहाँ से समझ लो कि सड़क पार करके दुकान समझ लो, इतने दूर कमरे तक गए, बेड पर बैठे और थोड़ा सा क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम हुई और देखते देखते शरीर छोड़ दिया। और दादी उनके साथ थी, दादी को हाथ था और वहीं पर शरीर छोड़ दिया। ये तो था इनका शरीर छोड़ना। और उसके बाद 13 बार, आप इन संदेशों को पढ़ सकते हैं, 13 बार दादी ने परमात्मा के पास पूछने के लिए गई। जब 13वीं बार गई, जो जो डायरेक्शन मिलते रहे होता रहा, उसके बाद 13वीं बार जब ये बाबा से डायरेक्शन लेने के लिए गई कि अब क्या करें, तो परमात्मा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा दोनों ने इनके शरीर का आधार लिया और बच्चों से बात किया, ठीक है क्या? तो ये डायरेक्शन मिला कि पढ़ाई वो थी जो मैंने इनके तन से पढ़ाई थी, ठीक है, उसको आपको 1 साल पहले जो पढ़ाया था वो याद है, नहीं है तो पढ़ाई को रिवाइज करना है, उस पढ़ाई को रिवाइज करना है। और बाबा संदेशी के माध्यम से बच्चों से मिलने के लिए आएंगे। तो उसके बाद बाबा इनके तन से आकर हम बच्चों से मिलते हैं और पढ़ाई हुई। तो इस प्रकार से ये डायरेक्शंस मिले और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर 137 देशों में ये सेवाएं चल रही हैं। परमात्मा आकर अपना वंडरफुल कार्य कर रहे हैं। हर आत्मा को परमात्मा के पास पढ़ने के लिए आना है और हर एक को अपना भाग्य बनाना है। कौन कितना बनाएगा ये उस आत्मा का पार्ट है।